क्यों वकील साहब, मछलियां पकड़ी जा रही हैं बाल्टी में? और क्या करता, तालाब में तो पानी नहीं, मछलियां कहाँ से आएंगी? मगर बाल्टी में तो कहीं से पागल तो नहीं हो गए सर? जहाँ पानी वहाँ मछली। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक घर बाबू, अपनी मालगाड़ी को रोको। मालगाड़ी? ये मालगाड़ी नहीं, तूफान मेला है सर्जन। अच्छा, लंदन चलोगे? अब हो आया, तुम जाओ। सिगरेट? नो थैंक्स। कोई बात नहीं, हम खुद ही पी लेते हैं। हमने सुना है तुम बंबई जा रहे हो सर जी। बंबई? हाँ हाँ जा रहा हूँ। तो फिर हमारी बहन से मिलकर बता देना क्या हम बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। अच्छा, इलेक्शन के दिन नजदीक आ रहे हैं, तुम्हें अपना वोट कागज आदमी को देना होगा। जर्मन? आर यू जर्मन? नो, आई एम एन इंडियन। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मनोहर। मॉर्निंग है साहब, अच्छे तो हो? सर्जन चौधरी आपकी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अच्छा, कहाँ है वो? अभी अभी। गुड मॉर्निंग सर्जन चौधरी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मनोहर। डॉक्टर, रूम नंबर 3 वाले जज साहब अभी अभी यहाँ से गए हैं। बातचीत में तो बिल्कुल ठीक नजर आते हैं। मेरी राय है डॉक्टर, आप उन्हें छुट्टी दे दी जाए। अच्छा अगर आदमी अगर पागलखाने में रोक लिया जाए तो डबल पागल हो जाता है। आप ठीक कहते हैं सज्जन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? मालूम तो अच्छी होती है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर तो बहुत ही खुशी की बात है। जब इनकी शोहरत के चर्चे चारों तरफ फैल रहे थे
इन्होंने एक मनपसंद लड़की से शादी कर ली। सज्जन साहब अपनी बीवी को बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन बाद वो बेचारी बीमार पड़ गई। नौबत ऑपरेशन तक आ पहुंची। डॉक्टर अमूमन अपने रिश्तेदारों के ऑपरेशन खुद नहीं करते, लेकिन बीवी के मजबूर करने पर सर्जन साहब इस काम के लिए तैयार हो गए। क्लोरोफार्म दिया गया, ऑपरेशन शुरू हुआ। कर देना चाहिए, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा, अब आप आइए। चलिए, कहते हैं कि तुमने हमें बर्बाद किया। याद रखो डॉक्टर, अगर तुम लोगों ने इन्हें आजाद न किया तो एक दिन मजबूर होकर ये सब यहाँ से भाग जाएंगे। भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, रेस में घोड़े कौन कौन से भाग रहे हैं। तुम्हें तो हर वक्त रेस की धुन सवार रहती है। इतने बड़े हो गए मगर अकल नहीं आई। घोड़ा कहीं का घोड़ा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। तुम शायद ये नहीं जानती कि घोड़े कितने लकी हुआ करते हैं। दुनिया भर की दौलत घोड़ों के कदम चूमती है। यही वजह है कि अंग्रेज लोग घोड़ों के नाल की भी पूजा करते हैं। पूजा? अयो, बस मम्मी उसे एक बार रेस जीत लेने दो, फिर देखना। तुम्हारे लिए 10 बंगले ना बनवा दूं तो रंगा नाम नहीं। मेरे लिए यत्ता चोटा यत्ता। अरे सुना तुमने,
परसों चकोरी में क्या भाव निकाला था? कचोरी? अरे बाबा कचोरी नहीं चकोरी। हाँ। घोड़ी घोड़ी। वाह क्या घोड़ी है। 1800 1800 रुपए। 1800 रुपए? अयो यो वो घोड़ी 1800 रुपए का क्या करती जी? क्या हुआ? मालूम होता है जलते जलते स्टोव फट गया है। जरूर बाप ने कोई नई शराब की होगी। क्या हुआ रे? कुछ नहीं मम्मी, गैस ज्यादा भर गई थी इसलिए फट गया। फट गया? मामूली बात। मामूली बात है, अगर तेरे कपड़ों में आग लग जाती तो? हाँ तो क्या होता? साइंस का तजुर्बा करने वाले इन बातों से नहीं डरती मम्मी। कभी कभी उन्हें मौत से भी खेलना पड़ता है। ये तो ठीक है इंजीनियर साहब, मगर अब चाय कैसे बनेगी? मैं बनाती हूँ। क्यों रे, अभी तो ठीक कर दिया है ना? एकदम ठीक कर दिया मम्मी, बनाओ चाय। घबराने की कोई बात नहीं मम्मी। लो किसी को जिया जिया तो खाक जिया। दुनिया में आके ना प्यार किया दिल ना किसी को जिया जिया तो खाक जिया। किसी क्षमा का पन परवाना दुनिया पे क्या लेके जाना। लल्ला 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 अपना गाना भाव बनाना दुनिया पे क्या लेके जाना। लल्ला 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 करे रो रो के कौन मरे काहे को आहे भरे। चार दिनों का यहाँ ठिकाना दुनिया पे क्या लेके जाना। अपना गाना बोझ बनाना दुनिया पे क्या लेके जाना। अंदर नाने को गया तो वो चिटकारी किसके डाले थे? ये जरूर इसकी शरारत होगी। हाँ मम्मी। क्यों? इसलिए कि मास्टर जी अंदर से बंद करना भूल गए थे। अगर दरवाजा खुल जाता तो? ऐसा कैसे दरवाजा खुलता है जी? तुमको तो मालूम नहीं क्या हम अंदर होता तो? देखा तुम लोगों का ये नाटक तो चलता ही रहेगा। बैंक जाने से पहले मुझे
एक प्याली चाय की ही मिल जाती तो। तुम्हें तो हमारी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। मैं गाना सीखती हूँ तुम्हें बुरा लगता है, बेबी डांस की तालीम लेती है तुम्हें पसंद नहीं, रंगा रेस पे चला जाता है तुम्हें वो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं तुम्हारी किसी बात की परवाह नहीं करूंगी। मैं अपने घर को मॉडर्न बना के छोड़ूंगी, अमेरिकन, एकदम अमेरिकन फैशन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जो जी में आए करना, मुझे सिर्फ एक प्याली चाय की दे दो और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं बैंक चला जाऊं। क्या समाचार हूँ? लेकिन ये तार बलवंत राय के नाम पर है। मेरा तार? क्या मैं देख सकता हूँ? लो अपना तार। किसका तार है पापा? मैं खुद नहीं समझा, लिखा है 4 बजे स्टेशन से मिलो। 4 बजे स्टेशन से मिलो? हाँ, तो खत भी भेजा है। मेरी कोई चिट्ठी उठी तो नहीं आई? मैं क्या जानू तुम्हारी चिट्ठी उठी। बाबू तुमने देखी है वो चिट्ठी? नहीं तो दीदी तुमने देखी है वो चिट्ठी? गंगा तुमने देखी है वो चिट्ठी? चिट्ठी शायद आई थी। यस पापा, अफ्रीका से चिट्ठी आई थी, लिफाफे का टिकट मैंने संभाल कर रखा है, दिखाऊं आपको? अरे बाबा मैं टिकट नहीं चिट्ठी मांग रहा हूँ। कहाँ है चिट्ठी? पापा मेरे सफेद कोट की जेब में होगी। सफेद कोट? सफेद कोट तो धोबी के यहाँ चला गया है ना मम्मी? लेकिन मैंने कोट की जेबों से सब कुछ निकाल कर अलमारी में रखा था। तो फिर अलमारी की चाबी ही दे दो मुझे। अब सारे घर की चाबियाँ मैंने जेब में थोड़ी डाल रखी है, मैं कह रहा हूँ कहाँ है। पापा मैं चाबी के बगैर भी ताला खोल सकता हूँ। ये रही मास्टर की, आओ मेरे साथ। अयो यो बाबा ये मास्टर की से कैसा खुलेगा जी? अरे देखो लो, मास्टर की भी टूट गई। पौने 11 बजे मुझे बैंक जाना है। लेकिन ठहरो भी पापा, अब भी खोलता हूँ ताला। ये रही हेड मास्टर की। ये रही चिट्ठी। मेहरबानी करके मुझे जरा नीचे तो उतरने दो। उतरो ना। अफ्रीका, अफ्रीका जंजीबार, बफरदार बलवंत राय चौधरी। इस खत को देखकर तुम हैरान तो जरूर होगे, मगर मैं रिश्ते में तुम्हारा चाचा हूँ। हमारा चाचा? चाचा तुम्हारे पिताजी मेरे बड़े भाई थे। 40 बरस पहले मैं अफ्रीका चला आया था, यहाँ आकर मैंने लाखों मगर औलाद मेरी किस्मत में न थी। तुम्हारी चाची के तुम्हारी चाची का परिवार हुए 1 साल हो गया और अब यहाँ दिल नहीं लगता। मेरी दौलत मेरे बाप किसी गैर के पास चली जाए, इसलिए मैंने हिंदुस्तान वापस आने का फैसला कर लिया है। बम्बई पहुँचकर कहा दूंगा, उम्मीद है कि मुझे स्टेशन पर देने के लिए जरूर आओगे। तक तुम्हारा चाचा वी आर चौधरी। उनके पास लाखों रुपए हैं? हो सकता है। और वो हमारे पास ही स्टेशन पे? ये भी हो सकता है। तो फिर तुम अभी स्टेशन पर जा बैठो, तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। गाड़ी 4 बजे आने वाली है और मुझे बैंक में जरूरी काम है। अभी अपना सिगार शुरू कर दो, 3:30 बजे तक तैयार हो जाओगी। मेरे बदले तू ही चली जाना स्टेशन पर। लेकिन मुझे नहीं पहचाना तो? अरे कह देना मैं सरला हूँ, मिसेस बलवंत राय। ठीक है ना जी? तो फिर मैं जाता हूँ।
सौ रुपए की बात चाचा कोई औलाद नहीं मम्मी मेरे हाथ में खुजली हो रही है तुम लोग संजीवार के चाचा लाखों रुपए के मालिक मम्मी मैं तुम्हें चकोरी पर बिठाकर सारी रेस्टोरेंट से शेयर कराऊंगी कचोरी अच्छा जी हमको भी घुमाओ आपको भी घुमाऊंगा और आपके लिए एक तानपुर की जोड़ी भी लाऊंगा अयो यो घोड़ी थोड़ी नहीं जी जोड़ी तेरे लिए तेरे लिए तो सोने के घुंघरू बनवा दूंगा चलो चलो मुझे स्टेशन पे जाना चलो हमको भी चलना बंबई को गाड़ी कितने बजे जाती है बंबई से आने वाली गाड़ी तो आप ही आ जाएगी और जाने वाली टाइम टेबल में सब कुछ लिखा है सामान उतारो तुम यहाँ ठहरो मैं वहां जाकर देखता हूँ जी साहब साहब तुम सामान बाहर ले चलो मैं अभी आता हूँ तुम्हारा नंबर खड़ा नंबर अच्छा मैं आता हूँ चलो वो देखो सर्जन साहब चलो लेने आए हैं हजूर चलिए तुम लोग मुझे लेने आए हो वो खुद नहीं है मैं भी हाजिर हूँ सरकार तशरीफ ले चलिए तुम बलवंत राय मैं भी हैरान था कि मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया अच्छा तुम बेटा बिल्कुल तशरीफ ले चलिए हाँ चलिए तशरीफ रखिए अरे इतनी बड़ी गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी बड़े आदमियों के लिए बड़ी चीज ही लानी पड़ती है तशरीफ रखिए लेकिन ये तो बताओ कि तुम पुलिस में क्यों भर्ती हो गए मैंने तो सुना था कि तुम बैंक में काम करते हो जी वहां से बदली हो गई है तशरीफ रखिए मगर मेरा सामान सामान टैक्सी में आ जाएगा मैंने सब इंतजाम कर दिया है वाह भाई सामान टैक्सी में और मैं यहाँ अजीब बात है तशरीफ रखिए आप फिक्र मत कीजिए साहब डॉक्टर बुलाओ टैक्सी हाँ हाँ किस लिए मैं टैक्सी लेकर आई हूँ सामान टैक्सी में रखू उस टैक्सी में चलिए कहाँ घर घर हाँ जी आपने मुझे नहीं पहचाना मैं आपकी बहू हूँ सरला सरला जी हाँ मिसेस बलवंत राय उन्हें कोई जरूरी काम था इसलिए मैं आपको लेने के लिए चलिए आपके साथ कोई और भी है नहीं तो चलिए ना हाँ हाँ चलिए चलिए बैठिए अच्छा भाई
वन टू मालूम होता था कि सचमुच तुमने मेरी कला की लाज रखी। आइए आइए, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। नमस्ते चाचा जी, आइए। चाचा जी आ गए हैं और मैंने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। तो अब बदलो ना। चंद्रभूषण जाना जाना। अच्छा भाई, ये कौन है? सारंग स्वामी, बहुत बड़े गवैये हैं। यहाँ क्या करते हैं? मुझे गाना सिखाते हैं। मगर उन्हें तमीज से सोना चाहिए। खराटे लेना बदतमीजी है। कुछ नहीं मम्मी, आवाज कम करने के लिए साइलेंसर लगाया है। देखो मास्टर जी, आप हमारे चाचा जी। अरे यो चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते, धोती नीचे करो, नीचे करो। बाप, बेबी कहाँ है? अपने कमरे में। उसे जल्दी बुलाना बेटा। अच्छा, कह देना अपने चाचा जी आए हैं। जल्दी बाप। बाप? अजीब नाम है। अजीब
पूरा नाम तो बाबू है। और तुमने इसे अमेरिकन बना डाला है, क्यों? लेकिन उसके पिताजी अब भी उसे बाबू कहके पुकारते हैं। ओ, तो ये तुम्हारा बेटा है? जी, सबसे छोटा। मामी। नमस्ते। नमस्ते। ये महाशय कौन? चंद्रभूषण, डांस मास्टर। तो तुम? मैं नहीं, बेबी थी। ओ, तो ये बेबी है? जी। नमस्ते। नमस्ते। और ये डांस मास्टर भी इसी घर में रहते हैं? मम्मी, मम्मी, आज तुम्हारा होनहार बेटा मैदान मार कर रहा है। टेबल शॉट मम्मी, टेबल शॉट। चकोरी का फॉर्म तो देखने जैसा था, मगर छठी रेस में घोड़ा शॉट में से पिट गया, वरना 350 के बदले आज मैं 30,500 जीत कर आता। बैड लक मम्मी, बिल्कुल बैड लक। चाची जी, ये मेरा बड़ा बेटा रेगी, मेरा मतलब है रंगा। रंगा? सचमुच रंगीन मालूम होता है। रेस का शौक है तुम्हें? शौक नहीं जी, धंधा है। बिजनेस। ये कल्ले क्यों बढ़ा रखे हैं तुमने? ये आजकल का फैशन है, आपको पसंद नहीं? मुझे नहीं पसंद। फॉरन कटवा दो। हाँ, कटवा दो। ये बेबी जी। बाप? बाप। सारंग स्वामी। सारंग स्वामी जी। और ये डांस मास्टर इंद्रभूषण जी? चंद्रभूषण। 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 प्रजा तो देख ली। हाँ। अब राजा के दर्शन कब होंगे? आते ही होंगे, आप चलकर आराम कीजिए ना। आराम कीजिए। चलो जी। आखिर तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? कुछ मुझे भी तो बताओ। छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो। डॉक्टर साहब, सज्जन साहब मिल गए। सज्जन साहब? कौन सज्जन? अरे, मैं सज्जन नहीं हूँ, मैं झंझवार का बेपन हूँ। आप ठीक कहते हैं सर्जन साहब। मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं झंझवार का व्यापारी हूँ। झंझवार आपको मालूम है? झंझवार अफ्रीका में है, वहाँ से आया हूँ, झंझवार से। झंझवार? हाँ हाँ, झंझवार। झंझवार मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं पागल नहीं हूँ, भगवान की कसम मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही समझता है कि वो पागल नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। तुम्हारा बाप पागल है, तुम्हारा दादा पागल है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। वार्डर जी, तुम्हें अपने कमरे में ले जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भैया, छोड़ दो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। सच कहूँ? तुम पागल नहीं हो, मैं पागल नहीं हूँ। इनमें से कोई पागल नहीं, पागल है यहाँ के डॉक्टर। डॉक्टर? डॉक्टर? संजीवा चलोगे? भेजो गाड़ी में। संजीवा स्पेशल। अरे जी, आपकी रकम तो घर बैठे मिल जाती। 6 महीने से घर में बैठा हूँ। क्या बताऊँ सेठ जी, इस बार तो रेस का सीजन ही चौपट हो गया है। घोड़े गधे बन गए, चकोरी नोडल हो गई। बस अगर एक बार ट्रिपल शॉट निकल आए तो आपका सारा कर्जा अदा कर दूंगा सेठ जी। ट्रिपल शॉट के बच्चे सीधी तरह मेरी रकम भर दे, वरना मैं सारे पाप से भी वसूल करके छोड़ूंगा। धीरे बोलिए सेठ जी, धीरे बोलिए। घर में चाचा जी आए हुए हैं। तो काहे? नहीं नहीं, वो बताओ। मैं रेती गए सुन, चाचा जी काहे आए? तो तीन सौ बात कर ली। कुछ नहीं पापा, इनसे मिले सेठ पकौड़ी मल। हाँ, लाखों रुपए का हेर फेर करते हैं। हाँ, ये है मेरे पापा। हाँ, मैं डैडी। हाँ, मैं फादर। हाँ, यानी कि मेरे पिताजी। हाँ, जय गोपाल। जय गोपाल, क्या बात है सेठ जी? बात 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 तो काहे नहीं, फकत 500 रुपया धर दो और ब्याज भी। 500 रुपया और ब्याज भी? हाँ, सारे लड़के ने उधार दे रखे हैं।
तो फिर उसी से वसूल करो जाकर। तो थारे से कहीं वसूल न करूं, तू उनको बाप जो हो। और अगर मैं न दूं तो मैं थारे बाप से भी वसूल करके छोड़ूंगा। क्या शोर मचा रखा है? आप कौन? मैं चाचा चौधरी। चाचा चौधरी? मैं बलवंत राज चौधरी। चाचा जी, क्या झगड़ा है जी? आप कौन है? पापा जी, मैं पेड़ी वाला। देखिए जाओ, इनको बेटे ने मारी रकम दबा ली और ये बाप ने मारी गर्दन तोड़ डाली है। मारे है मरे, इनको बाप ने कहीं खाया है मारे। मैं अभी पुलिस में रपट लगाने जाता हूँ। ठहरो, शांति से काम लो भाई। झगड़ा करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मारो पीछे मिल जाएगा? हाँ हाँ, जरूर मिल जाएंगे, घबराओ नहीं। तो काई बात नहीं, जय गोपाल, जय गोपाल। तो तुम हो बलवंत राय चौधरी? जी, इस घर के राजा। अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए चलिए, अंदर चली जाते हैं। कर्जा वसूल करने के लिए घर तक पहुंच गया, कितनी शर्म की बात है। क्या बताऊं चाचा जी, इस लड़के के हाथों नाक में दम आ गया है। घर गृहस्थी यूं नहीं चलती बेटा, तुम्हें हर चीज का हिसाब रखना चाहिए। इस घर में कोई हिसाब नहीं चलता चाचा जी, अपनी तो किसी चीज में दाल ही नहीं गलती। सुनिए, अब गायन विद्या शुरू हो गई। सचमुच मैं एक दिन जरूर पागल हो जाऊंगा। पागल? जी हाँ, दरअसल इस घर में एक बुजुर्ग की जरूरत थी चाचा जी, जो इन सबको एकदम सीधा कर दे। अच्छा आप आ गए, अब मुझे चैन नसीब होगा। ये कोई गाना है? न सुर न ताल, कब खत्म होगा? अभी अभी तो शुरू हुआ, देखते जाइए। जी बटलर तो ठीक वक्त उठा लेता है, और बाकी सर जी बटलर भी है इस घर में? जी हाँ, 50 रुपए माहवार उसे भी देने पड़ते। क्या किया जाए, श्रीमती जी को गाना सीखने से फुर्सत नहीं, और बिटिया ताता थिया में पड़ी रहती, और हम हैं कि 12 बजे तक भूखे प्यासे। ये घर नहीं है चाचा जी, पागलखाना है, पागलखाना। लेकिन पागलखाने में भी तो सब लोग ठीक वक्त पर खाते हैं। आइए हम लोग खाना खा लेते हैं। बॉय बॉय बॉय, ये सर खाना लाओ। बहुत अच्छे सर, लेकिन बड़ा साहब क्या खाएंगे? क्या मतलब? मेम साहब ने
आपके लिए कोई खास चीज पकाने का आर्डर ही नहीं दिया सर। खास चीज? हाँ बलवंत, तुम्हारे घर में हर एक आदमी के लिए अलग अलग चीज पकाई जाती है क्या? हाँ चाचा जी, इस घर में हर एक का मिजाज भी तो अलग अलग है। तो दवाइये को इडली और सांभर के सिवा दूसरी चीज नहीं खाती। श्रीमती जी गाना सीखती, इसलिए तेल और खट्टी चीज को हाथ नहीं लगाती। बेबी डांस करती है, इसलिए फ्रूट खाती है, सिर्फ फ्रूट, ताकि वो मोटी ना हो जाए। और रंगा रंगा तंग देश का बच्चा है, फ्रूट कटलेट चिकन रोस्ट आमलेट मामलेट फिश। मगर ये सब चीजें तुम लाते कहाँ से? ब्लैक मार्केट से, एक के चार देने पड़ते हैं। और जो कुछ राशन में मिलता है वो कौन खाता है? ये दांत क्यों निकालते हो? जाओ जल्दी खाना लाओ। यस यस। देखो जी, अब ब्लैक मार्केट से कुछ नहीं आएगा। कल से इस घर में एक ही किस्म का खाना बनेगा और वही सबको खाना पड़ेगा, समझे? मगर श्रीमती जी को कौन समझाएगा चाचा जी? मैं समझाऊंगा, घबराओ नहीं। आ? ये क्या हुआ? अरे बत्ती किसने बुझा दी? बाबू, अरे ओ बाबू, कोई बोलता ही नहीं। अरे बाबू, बाप, बाप, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, फ्रिज उड़ गया है, अभी ठीक कर देता हूँ। बाबा, अयो यो चाचा जी, उधर वो फ्यूज उड़ा बिजली का, तो हम नीचे गिर पड़े। ये घर है या होटल, सबको एक साथ आना चाहिए और एक साथ खाना चाहिए, समझे? जी। आदमी की क्या जरूरत है? हुँ? घर की मालकन अगर दिन भर गाने बजाने में लगी रहे तो नौकरों का क्या भरोसा? कल से छुट्टी दे दो इसे, वरना बेचारे बलवंत राय का दीवाना पीट जाएगा। सुना तुमने? जी। और ये बानों का क्या हाल बना रखा है तुमने? कंघी करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कल से चूल्हा चक्की सब अपने हाथ से करना होगा। जी बहुत अच्छा, चलो आप खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। क्यों जी, तुम किस सोच में पड़े हो? अयो, हमको ये खाना नहीं चलता जी। क्यों नहीं चलता? इडली सांभर इनले आया नहीं जी। बाय। पराए घर में रहकर अपनी मर्जी का खाना चाहते हो, तनख्वाह नहीं मिलती? हमको आवाज संभालना पड़ता जी। सुबह उठकर गाजर खाते हो रोज? वो गाजर वो हम नहीं खाते जी। तो फिर इस खाने में कोई नुकसान नहीं, समझे? हमारा गला खराब होता जी। गला किस चीज से खराब होता है मुझे मालूम है। आज से स्पेशल फूड बंद, खाओ। अच्छा खाता हूँ। ఎంకట రమణ మమ్మీ మమ్మీ హమ్ ఆజ్ ఖానా నహీ ఖాయేంగే క్యూ నహీ ఖాఓగే బేటా హమ్ హోటల్ సే ఖాకర్ ఆయే హై రంగా జీ మేనే పెహ్లే కట్వా దియే చాచా జీ యే దేఖియే అచ్చా కియా హోటల్ సే ఖాకర్ ఆయే హో హూం జీ ఘర్ వాలో కే సాథ్ బైఠ్కర్ తుమ్హే ఖానా అచ్చా నహీ లగ్తా ये बात नहीं चाचा जी,
अगर आपका हुक्म हो तो फिर खा लेता हूँ। नहीं, कल से होटल में जाने की जरूरत नहीं, और अगर जाना ही हो तो घर में बताकर जाया करो, समझे? जी बहुत अच्छा, जाओ अपने कमरे में। हाँ। प्रेमा, क्या तुम भी होटल से खाकर आई हो? जी नहीं। तो फिर कहां से आई हो इस वक्त? कहीं सैर करने गई होगी, है ना? आधी रात को अकेली? अरे अकेली कहां, चंद्रभूषण भी साथ होगा। वो डांस मास्टर। तुम नहीं जानती मम्मी, दीदी आज फिल्म देखने गई थी। फिल्म? कौन सी फिल्म? बर्थ ऑफ ए बेबी। क्या हो रहा है? चोरी चोरी चाचा जी का बैग तोड़ा जा रहा है। मैं तो इसी बैग के खातिर अभी तक जाग रहा था मम्मी। नहीं भैया, दुनिया पगलों का बाजार, समझे ना? दुनिया पगलों का बाजार, दुनिया पगलों का बाजार, दुनिया पगलों का बाजार। एकदा शोभा चलूंगा सा समंदर पार, एकदा शोभा चलूंगा सा समंदर पार। अरे नहीं भैया नहीं, रावी के उस पार सजनवा, रावी के उस पार। होशियार भाइयों होशियार, सजनवा
मिट गए, अरे भाई पिट गए रे, बना के फिल्म खो बैठे, कमाई जिंदगी भर की, न बर्तन है न कपड़ा है, ये हालत हो गई घर की। जंजीबार अब कहाँ सुरैया निन्नी नीन नरगिस, जहाँ बंगला न रही मोटर कार, जहाँ बंगला न रही मोटर कार, जंजीबार 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 तो आ गई, ओए ओए आ गई रे मैं तो आ गई, ओए ओए आ गई तूई आ गई, घुड़ दौड़ के दुनिया का मजा ले लो, दुनिया हमारी है ये, दुनिया हमारी है, दुनिया हमारी है ये, दुनिया हमारी है, दुनिया हमारी है ये, दुनिया हमारी है, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया हमारी है ये, दुनिया हमारी है। क्यों हो सारा घर सर पर उठा रखा है? तो हम क्या करना जी, आप लोगों ने हमको उल्टी सीधी चीजें खिलाकर हमारा पेट खराब कर दिया जी। अयो तो यूं कहो कि रात वाला खाना तुम्हें हजम नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ, बिल्कुल हजम नहीं हुआ। वो क्या खाना है? क्या उसको खाना बोलते क्या जी? तुमने वही खाया है जो सारा हिंदुस्तान खाता है, लेकिन तुम्हारी तरह किसी के पेट में दर्द नहीं होता। तो आपका मतलब क्या हम झूठ बोलते हैं जी? हाँ बेशक बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ऐसा कैसा होता है जी? चाचा जी आप हमारा अपमान कर रहे जी। धीरे बोलो धीरे बोलो, तुम्हारे पेट में दर्द है ना? यंकट रमणा अयो सरला भाई, सरला तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझसे बात करो, मैंने तुम जैसे कई पाखंडी देखे हैं। हमको पाखंडी कहता तुम? सरला भाई ये हमको ऐसा बोलेगा तो हम आदमी के आदमी तिरुपति चला जाएगा। बहुत अच्छा, वो रहा दरवाजा, जाओ। हमको सरला भाई के गाने का ख्याल नहीं होता तो हम आदमी के आदमी जाते जी, उनकी संगीत विद्या अधूरी छोड़कर हम कैसा जाते जी? तो फिर कान खोल कर सुन लो, इस घर में रहना है तो तुम्हें भी वही खाना होगा जो हम सब खाते हैं, समझे?
ये कैसा शोर? आप अपने कमीने के लिए मैं दवाई लेकर आती हूँ। अरे क्या दिया तो आने वाला पानी मेरे लिए पानी ये सिख खा रहे हैं हम समझ में आया तुम्हारा देश का दिल जा रहा है हमारा भाई जा रहा है ना चकुरी देख लो फिर ऐसा क्या है यार 40 रुपए हो गए था आगे मैं भी देख लेता हूँ यहाँ देख लो आगे बोलो यहाँ मेरे 40 यहाँ 30 ये और ये 40 70 आइए चलो जी चलो जी क्या करूँ आइए दो करा दो वहाँ लग देखे चकोरी क्या भागती है देखो हाँ ये बंदे शो जी शो शो दिखाइए दिखाइए ये रहा बादशाह ये रही बेगम और ये रहा इक्का देखा हाँ भाई तुम्हारी चकोरी इधर नहीं है और बाकी का भी ला लीजिए लाइए कैश कैश नहीं भैया मैं चेक दे दूंगा देख लीजिए चाचा जी रंगा के रंग ये धुआं जो आपको नजर आ रहा है ये मेरी दौलत का धुआं है महीने में सैकड़ों रुपए की सिगरेट धुआं बन जाती है बस इन्हीं लफंगों के साथ छुआ खेला करता है और फिर आज पसंद है आज ये महफिल शाम तक गर्म रहेगी बहुत बुरी बात है इस तरह काम नहीं चल सकता बल्कि काम चले या न चले मगर इस घर में सबकी मनमानी जरूर चलती रहेगी इन लोगों के नाम उठाते उठाते मेरी सारी पूंजी खत्म हो गई बाप दादा की वक्त की थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी ठिकाने लग गई अब तो डर यह है चाचा जी कि एक दिन ये मकान भी गिरवी रखना पड़ेगा घबराओ नहीं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा जाओ आंखों में याद कैसे क्या बताऊं मेरी खुशी आंसू बन के ढल रही है मेरी आंखों आखिर वो कौन सी बात है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है और फिर अब घबराने की जरूरत भी क्या है तुम्हारे चाचा जी भी तो आ गए हैं अफ्रीका से चाचा जी आ गए हैं इसलिए तो मैं और भी डर गई हूं डर किस बात का डर है तुम्हें कैसे बताऊं अच्छी बूझने पर गई शर्म भी आती है खुशी भी होती है और खौफ तन बदन कामने लगता है मेरा मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं कुछ नहीं समझा आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मुझे यकीन है तुम धोखेबाज नहीं और ना ही मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करो भूषण क्या तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो ये तो मैं हजार बार कह चुका हूँ तो फिर सुनो हमारी मोहब्बत का भी पौधे का रूप इख्तियार कर चुका है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली ये तुम क्या कह रही हो हाँ हिम्मत किए बगैर भगवान भी इंसान की मदद नहीं करता मुझसे शादी कर लो वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी शादी हाँ तुम चुप क्यों हो गए जवाब क्यों नहीं देते डरने की कोई बात नहीं शादी होने के बाद सब ठीक हो जाएगा दरअसल बात यह है कि वो दरअसल बात यह है कि प्रेमा वो मेरी शादी तो हो चुकी है मैं चार बच्चों का बाप हूँ कोई बात नहीं मुझे सब कुछ मंजूर
तुम दूसरी शादी भी तो कर सकते हो। दूसरी शादी? ये तो ठीक है, लेकिन प्रेमा, मैं अपनी पहली बीवी को कैसे समझाऊंगा? उसे मैं राजी कर लूंगी। औरत के दिल का दर्द एक औरत ही जान सकती है। मैं उसके पैरों पर सर रख दूं। तू नहीं जानती उसका मिजाज, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन सौत का जलापा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं भूषण, मेरी मजबूरी का कुछ तो ख्याल करो। दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी। मगर मैं कर ही क्या सकता हूं, उधर तुम मजबूर हो इधर मैं मजबूर। मैं नहीं जानती थी कि तुम इस कदर बुद्धू हो। एक भोली भाली लड़की को सब बैग दिखाकर तवा का लेवल अपने भी राक्षस से राक्षस। चले जाओ यहाँ से। मैं जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती थी। चले जाओ यहाँ से। यहाँ तो आओ। अयो क्या बात है चाचा जी, आज से इस घर में तुम्हारा गाना बंद। हाँ हमारा गाना बंद? अयो हमारे संगीत से इतनी नफरत करते तुम? हाँ घोड़े की तरह हिनहिनाने का नाम संगीत नहीं होता, क्या समझे? आपको संगीत का क्या समझता है जी? संगीत को मैं तुमसे बहुत ज्यादा समझता हूँ। अयो इसका क्या मतलब है जी? मतलब जानना चाहते हो? हाँ तो बैठ जाओ। तुम सरला को गाना सिखाते हो ना? हाँ क्यों? गाना सिखाने से पहले दो बातें याद रखना जरूरी है। पहली बात ये कि सीखने वाले के गले में रस हो, और दूसरी बात ये कि सिखाने वाले को संगीत का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। हाँ सरला के गले में रस नहीं और तुम्हें संगीत का ज्ञान नहीं। हमको ज्ञान नहीं? ऐसा कौन बोलता जी? हाँ मैं बोलता जी। अभी तुम कौन सा राग आराम रहे थे? हाँ हम अभी चंद्रकंश गाता था जी। चंद्रकंश? चंद्रकंश गा लेना बच्चों का खेल नहीं। हारमोनियम कहाँ है तुम्हारा? हम वो पेटी पे गाता नहीं, हम वो छोटा तंबूरी उसके ऊपर गाता। जो कुछ भी हो लाओ। अब भी लाता आप थे जी। मास्टर जी मैं अभी लेकर आता हूँ। अच्छा जल्दी लाओ। वो बाबा ऊपर से नीचे तंबोरी लाता। हाँ बाबा जल्दी ना। ये रहा आपका तानपुरा मास्टर जी। यस ma
चंद्रकौन से गाया क्या? चंद्रकौन से गाया? हमारे गुरु वंकट स्वामी, उनकी याद आया हमको। तुम्हारा गुरु वंकट स्वामी इतना सा बच्चा था हाँ, जब हमसे वो सरगम सीखता था। इतना बच्चा था तब सरगम सीखता था? अरे यो, आप हमारे गुरु को गाना सिखाया, आप हमारे गुरु के गुरु। धर्मा भाई, ये हमारे गुरु के गुरु, जगत गुरु, इनके सामने हमको गाना मुश्किल है। अभी हम जाते। नमस्ते सरला भाई, अभी हम जाते। आप कहाँ जा रहे हैं शरण स्वामी? तिरुपति। मास्टर जी, ये चटाई। जगत गुरु नमस्कार, अभी हम जाते वेंकटेशाचलम। बूटी नीचे करो। अयो, अभी हम नीचे नहीं करते, अभी हम हमेशा के लिए जाते वेंकटेशाचलम तिरुपति। बहुत अच्छा, लेकिन आप किसी को संगीत सिखाने की कोशिश मत करना, समझे? चलो, अभी हम खुद गाना सीखने का प्रयत्न करेंगे। सारंग स्वामी, ये बिस्तर बगल में दबाए कहाँ जा रहे हो? हम हमेशा के लिए जाते वेंकटेशाचलम तिरुपति। मगर हुआ क्या है ये तो बताते जाओ। अयो, हमको टाइम नहीं जी, वो तुम्हारे जगत गुरु, वो उनको पूछो। नमस्ते। चाचा जी, आपकी मेहरबानी से एक मुसीबत तो टल गई। इसी तरह अगर बाकी मुसीबतों से पीछा छूट जाए तो यही घर सर्प का नमूना बन सकता है। मैं धन नहीं चाहता, दौलत नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इस बिगड़े से घर का सुधार चाहता हूँ चाचा जी। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा जी, तुम देखते जाओ। नाच और गाना तो एक कला है, लेकिन जवान लड़कियों को घर गृहस्थी और सीने पर होने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए बेटा। आज तुम एक लड़की हो, कल पत्नी बनोगी और एक दिन माँ। जो औरत घर गृहस्थी से वाकिफ नहीं होती, दुनिया उसे इज्जत की नजर से नहीं देखती। थोड़ी सी कोशिश करो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटा। मुझे देखिए चाचा, मैं कोशिश करती हूँ। लो, तुम क्या कर रहे हो बाप? कुछ नहीं चाचा जी, रेगुलेटर का डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छा, देखो।
नहीं, मैं प्रेमा को नाच की तालीम देने आया हूँ। नाच की तालीम? इस वक्त? इतनी रात गए? कल क्यों नहीं आए? कल? जी वो बात ये है कि वो कल कल मेरी तबीयत खराब थी, बुखार। तो फिर आज भी आराम किया होता। बरखुरदार, प्रेमा को नाच सिखाने का वक्त रात को नहीं दिन को है, और वो भी मेरे सामने सिखाना पड़ेगा। क्या समझे? जी मैं समझ गया आपका मतलब। अब तुम जा सकते हो। शुक्रिया। इधर चल दिए, दरवाजा इधर है बरखुरदार। ओ माफ कीजिएगा, मैं समझा कि जी मैं बिल्कुल समझ गया आपका मतलब। नमस्ते। 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 चाचा जी, आप नाचना भी जानते हैं? हाँ बेटा, मैं नाचना भी जानता हूँ। कमाल है, यानी कि आप सब कुछ जानते हैं। नाचना, गाना, सीना, परोना, बिजनेस, डॉक्टरी, और क्या क्या जानते हैं आप? मैं क्या कुछ नहीं जानता, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं बेटा। तो फिर आप साइंस भी जानते होंगे? साइंस भी जानता हूँ। तो फिर मेरे कमरे में चलिए, मैं आपको एक नई चीज दिखाना चाहता हूँ। नई चीज? मैं क्या करूंगा देखकर? सच बताओ बेटा, मैं एक पागल इंसान, पागल खाने से भाग कर आया हूं। मेरा दिमाग ठिकाने नहीं। आपका दिमाग ठिकाने नहीं? आप मजाक कर रहे हैं मुझसे चाचा जी? मजाक? तुम नहीं समझोगे मेरे बच्चे, मैं पागल हूं, सचमुच पागल। तुम जाओ आराम करो, मैं तुम्हारे कमरे में जरूर आऊंगा। याद लगाए आग दिया
करे तेरे गीत रे मेरे मन के छोटे जा देखी तेरी प्रीत रे मेरा लूट लिया संसार जा देखी तेरी प्रीत रे मेरा लूट लिया संसार। ये क्या मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे सर पर। खानदान की लड़ जाकर आंसू बहाने बैठ गई है। मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। चाचा जी तो पहले इस घर के तौर तरीके पसंद नहीं करते। वो सुन पाएंगे तो क्या होगा? मम्मी, तुम्हारे सिवा मैं अपना दुख किसे बता सकती हूँ? किसके घर में मैं छिपा सकती हूँ मम्मी? मुझे सहारा दो, मैं क्या करूँ मम्मी? गुस्सा सोचा होता कि मुंह काला करने निकली थी। ये चाहते तो आप गला घोटू और खुद भी जहर पी लूं। मेरे मर जाने से अगर खानदान की इज्जत बन सकती है मम्मी तो मुझे शौक मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार। अगर तू पैदा होते ही मर गई होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता मुझे। माँ, मुझे माँ के घर न पुकार। तू मेरी बीवी नहीं दुश्मन है, दुश्मन। अगर तुम मुझे सहारा नहीं दे सकती तो जहर में बुझे हुए तीर भी न चलाओ। मैं अपनी बिगड़ी हुई तकदीर का इलाज खुद ही कर लूंगी। इतनी अकल होती तो कब की तू मरी होती। तुम ठीक कहती हो मम्मी, मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो और तुम चली जाओ। भगवान के लिए चली जाओ मम्मी, चली जाओ। बेटा इधर आओ मेरे पास आओ। मगर ये फांसी कैसी? यही मेरी बीमारी का इलाज है। मेरे करीब आओ, डरो नहीं, हिम्मत से काम लो। ये रस्सी पकड़ लो अपने हाथ में और जब मैं कहूं तो इसे खींचना शुरू कर देना। कभी पागलपन का दौरा पड़ जाता है और जब मैं इस तरह सर के बल खड़ा होता हूं तो वो दौरा ठीक हो जाता है। इसे शीर्षासन कहते हैं, समझे? जी। लेकिन चाचा जी, मैं ये कहने आया था कि मम्मी और पापा में बड़े जोर की जंग छिड़ी है। मैं उनका इलाज भी कर लूंगा। अब तुम गिनती शुरू करो, 7 तक पहुंच कर मुझे बता देना। जी, 1, 2, 3, 4 महीने हो गए। पहले तो कलुए ने यूं काला कर लिया और अब बैठी यूं रो रही है जैसे कि उसकी माँ मर गई। और इधर तुम मट्टी के मांसों की तरह हाथ में हाथ धरे बैठे। ये सब तुम्हारे किए का फल है। इस बदनामी का बीज तुमने ही बोया था। मेरी तो किस्मत ही खोटी है। कौन है इस घर में जो मुझे अच्छा समझता है? ससुराल में कौन सी कसर बाकी रह गई है जो मायके में जाकर पूरी कर लोगी? देखो जी, तुम्हें ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, मेरा सर चकरा रहा है। तुम्हारा सब ठीक ही कब था? चुप रहो जी, मैं कहती हूँ चुप रहो। वरना
क्या करोगी? क्या करोगी? ये क्या? ये घर है या पागलखाना? बहुरानी, ये तुमने फेंका है क्या? जी हाँ, जबान के साथ साथ अब इसके हाथ भी चलने लगे हैं। अच्छा, तो ये है तुम्हारा अमेरिकन संस्कार। मैंने सुना था कि हमारे देश में मर्द औरतों को मारते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या औरतें मर्दों को मारती हैं? लेकिन याद रखो बहुरानी, आपस के झगड़े से घर बर्बाद हो जाता है। माफी मांग लो, माफी मांगो। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, क्या बात है बाप? दीदी को कुछ हो गया है? वो रो रही है अपने कमरे में। रो रही है? क्यों रो रही है? देखो। ठहरिए चाचा जी, कोई खास बात नहीं, प्रेमा के पेट में दर्द है। पेट में दर्द है तो फिर मुझे जाना ही होगा। दरअसल उसे औरतों की बीमारी है। घबराओ नहीं, मैं हर चीज को जानता हूँ। क्यों जी, घर में कोई काम नहीं जो यहाँ तमाशा देखने चली आए हो? लड़ाई झगड़ा तो सबके घरों में होता है। जाओ काम करो, जाओ। प्रेमा? चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी भूल से इस घर के इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये तुम्हारी भूल नहीं है बेटा, ये भूल है उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें सीधा रास्ता नहीं बताया। सच पूछो बेटा, तो हर इंसान भूल करता है, और जो भूल नहीं करता उसका नाम है भगवान। इंसान भगवान नहीं बन सकता। लेकिन चाचा जी, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। इंसान अक्सर बेवफा होते हैं, लेकिन कुदरत बेवफा नहीं होती बेटा। मेरी तकदीर ही खोटी, मैंने एक ऐसे इंसान पर विश्वास किया जिसके सब बातें झूठे। मैं इस भूल का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ चाचा जी, मुझे बैगन का मौत भी नहीं आती। मुश्किलों से घबरा कर मर जाना बुद्धि नहीं है बेटा, उनका मुकाबला करना चाहिए। एक अबला ये कैसे कर सकती है चाचा जी? अपने विश्वास की मदद से। क्या तुम अभी तक चंद्रभूषण से प्रेम करती हो? औरत का प्रेम अमर होता है चाचा जी, मैं उन्हें अपना भगवान समझती हूँ। अगर तुम्हारा इरादा इस कदर मजबूत है तो मुझे उसका पता ठिकाना बता। पता ठिकाना? आप जानकर क्या करेंगे? क्या करूंगा, ऐसे आदमी को जरूर सजा मिलनी चाहिए। पता बताओ फौरन, बताओ। तुम्हें चंद्रभूषण की कसम है। लेकिन आपका वहां जाना ठीक नहीं है चाचा जी, आप वहां जाके क्या करेंगे? ये वहां से आकर बताऊंगा। हूँ हाँ, अगर तुमने अपनी जिंदगी से खेलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई न होगा, समझे? मैं बुजदिलों का साथ नहीं दिया करता। इस छोकरे तो नाक में दम कर रखा है, उधार लेकर वापस देने का नाम ही नहीं लेता। जब देखो ताला, जब देखो ताला। क्यों भाई, चंद्रभूषण कौन से कमरे में रहता है? दास मास्टर? हाँ जी, रहता तो यही है, मगर कभी दिखाई नहीं देता। दरवाजे में दिन रात ताला पड़ा रहता है। ये रहा कमरा,
चंद्रभूषण, भूषण, चंद्रभूषण। कौन? प्रेमा? प्रेमा नहीं, प्रेमा के पापा का चाचा। चाबी लाओ। जी, चाबी? हाँ। यहाँ आने की तकलीफ कैसे फरमाई चाचा जी? अभी बताता हूं। लो, ये क्या है? चॉकलेट। चॉकलेट? मगर ये तो बच्चों के खाने की चीज है। मैं भी तुम्हारे बच्चों के लिए ही लाया हूं। जी, मेरे बच्चे? हाँ हाँ, तुम्हारे बच्चे। और तुम्हारी घरवाली कहाँ है? मैं उसे आशीर्वाद देने आया हूँ। लेकिन लेकिन चाचा जी, मैं तो अभी तक कमा रहा हूँ। मेरी ना घरवाली है ना बच्चे, मेरे कला के सिवा मेरा कोई साथी नहीं। और तुम्हारे सिवाय बेचारी प्रेमा का भी कोई साथी नहीं। तुमने उसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये आपसे किसने कहा चाचा जी? वो कौन सी बात है जो मैं नहीं जानता? क्या तुमने उस मासूम का दिल नहीं तोड़ा? नहीं, मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा। सच्ची बात तो ये है कि तकदीर ने हम दोनों का दिल तोड़ा। ये सब झूठ है। तुम प्रेमा को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकते। क्या बताऊं चाचा जी, मेरी अपनी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। जब अपनी समझ जवाब दे जाए तो दूसरों की समझ से काम लेना चाहिए। तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम प्रेमा से आज भी शादी कर सकते हो। शादी? लेकिन ऐसी हालत में शादी हो कैसे सकती है चाचा जी? वो क्यों? मैं एक गरीब इंसान हूं, कर्जा ले लेकर काम चलाता आया हूं आज तक। रुपए पैसे के चक्कर में पड़कर अगर हर इंसान शादी से इनकार कर देता तो दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। मगर प्रेमा के साथ शादी करके मैं उसे इस नर्क में नहीं लाना चाहता जहां लेनदारों के डर से मैं दिन रात चोरों की तरह मुंह छुपाए रखता हूं। तुम्हारे लेनदारों से मैं निपट लूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें प्रेमा से मोहब्बत है या नहीं। बेशक है, मैं उसे सच्चे दिल से चाहता हूं। सच? जैसे विश्वास दिला। तुम ठीक कहते हो, इस दुनिया में किसी को विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल है। ये तस्वीर किसकी है? मेरे गुरु विष्णु कुमार। भगवान के बाद मैं इन्हीं की पूजा करता हूं। तो फिर इन्हीं की कसम खाकर कहो कि तुम प्रेमा से शादी कर लोगी। मैं कसम खाता हूं। और अब ये चॉकलेट भी खा लो। अच्छा, मैं जाता हूं। अच्छा, और हां, एक बात और सुन लो, अब दरवाजा बाहर से बंद नहीं होना चाहिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पगला कहीं का। गंगा! चाचा जी, कहीं चोट तो नहीं आई? क्या हुआ चाचा जी? कुछ नहीं, ये चंडाल चौकड़ी फिर क्यों जमा है आज? ये चंडाल चौकड़ी नहीं है चाचा जी, ये लोग तो बेहद शरीफ इंसान है। जी, यहाँ के मशहूर अखबारों के एडिटर। जी, यहाँ क्यों आए हैं? जुआ खेलने? जुआ खेलना तो मैंने बंद कर दिया चाचा जी, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। मुझसे? जी। वो क्यों? आदाब पेश करता हूँ जनाब, खासदार का नाम है रूफी, खूफी बल सूफी। जी हाँ, बंदा ताल मटोल पेपर का एडिटर है। जी हाँ, ताल मटोल। जी हाँ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जरा नवाजी है हुजूर की। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल बात यह है चाचा जी, हाँ, कि ये लोग आसाम रिलीफ फंड के लिए चंदा मांगने आए हैं आपसे। चंदा? ओ,
लेकिन ये चंदा आसाम तक पहुंचेगा भी या पहले ही किसी आसामी के हत्थे चढ़ जाएगा? अपना कारोबार इस किस्म का नहीं है बंदा नवाज, आपकी दुआ से बाप दादा के जमाने से चंदा जमा करते आए हैं। अगर आप कहें तो कौड़ी कौड़ी का हिसाब दे सकता हूँ। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। तो लाओ आपकी चेकबुक। चेकबुक? जी हाँ, क्या नाम है उसका? चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका। बड़ा अच्छा नाम। छोड़ो उसकी बात, मैं तुम्हें रुपया जमा करने की एक और तरकीब बता सकता हूँ। जल्दी बताइए, आसाम की बुरी हालत है। जी वो प्रेमा है ना? प्रेमा? 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 कौन प्रेमा? प्रेमा? हाँ, रंगा की बहन। अच्छा, आगे फरमाइए। आसाम की बहुत ही बुरी हालत है। वो बहुत अच्छा नाचती है। वल्ला, उसके नाचने से काल थोड़ी चला जाएगा। जरूर चला जाएगा। वो कैसे? बताता हूँ, तुम लोग जाकर एक चैरिटी शो का इंतजाम करो। चैरिटी शो? टिकट बेचकर बहुत से रुपए जमा किए जा सकते हैं। जी हाँ, है ना? और मैं प्रेमा और उसके डांस मास्टर चंद्रभूषण को नाचने के लिए राजी करता हूँ। कैसी रही तरकीब? तरकीब बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक शर्त है। वो क्या? चैरिटी शो के टिकट की आमदनी का चौथा हिस्सा प्रेमा और चंद्रभूषण को मिलना चाहिए। मंजूर? मंजूर है। और कोई हुक्म सरकार? और उनके हिस्से की रकम ना शुरू होने से पहले ही मिल जानी चाहिए। उनसे अब इजाजत दीजिए, वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है। आसाम की बहुत बुरी हालत। हाँ हाँ, मालूम है। अभी से काम शुरू कीजिए। चाचा जी, क्या प्रेमा स्टेज पे नाचेगी? क्या हर्ज है? चैरिटी शो में डांस करना बुरी बात नहीं, लेकिन वो चंद्रभूषण के साथ कैसी नाचेगी? चंद्रभूषण बहुत अच्छा लड़का है। आप नहीं जानते चाचा जी, आप नहीं जानते। मैं सब कुछ जानता हूँ। जाओ काम करो। आप प्यासी अखियां मनवा बेकल, प्यासी अखियां
सरिया रात हुई नहीं आए सवरिया रात हुई नहीं आए सवरिया अखियन आशा दीप जलाए काम काम अखियन आशा दीप जलाए राहत को तोरी काम रे चली राना पिया ढूंढ को चली राना पिया चली राना कना चली राना जमानूजन को आदाब पेश करता हूँ जनाब को मैंने कहा आ, क्या नाम है हाँ गंगा को कहीं देखा है आपने नहीं तो क्या बात है बल्ला क्या करूँ बंदा नवाज अजीब किस्म का इंसान है वो भी खेल शुरू होने से पहले ही कहीं रफू चक्कर हो गया यही कहीं होगा घबराने की कोई बात नहीं जी प्रेम और चंद्रभूषण के हिस्से की रकम अब मेरे हवाले कर दो चाचा जी थोड़ा वक्त और लगेगा क्यों हिसाब हो रहा है हिसाब क्यों मद्री प्रसाद जी कोई बात नहीं हिसाब होने तक मैं यही ठहरूंगा जी हाँ बोला आसाम की बहुत बुरी हालत क्यों जी आसाम की ये लो इस रकम से तुम अपना कर्जा चुका दो जाकर और सुनो शाम को तुम दोनों घर जरूर चले लेकिन मम्मी ठीक है जैसे मैं कहता हूँ वैसे क्यों रे चंद्र की रकम का बाप कमाल समझकर हड़प करना चाहता था अब कहाँ जाएगा बचकर ले चलो तो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में चलकर कहो चाचा जी मुझे बचाइए चाचा जी ये लोग मुझे पुलिस के हवाले करते हैं चाचा जी मुझे बचाइए चाचा जी क्यों भाई क्या बात है इस बदमाश ने चंदे की रकम खोल कर ली है जी हाँ हाँ तो फिर इसे जरूर सजा मिलनी चाहिए ले चलो कोतवाली मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ऐसा जुलम नहीं कीजिए मैं कसम खाता हूँ फिर ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा सच्चे दिल से कहते हो बिल्कुल सच्चे दिल से चाचा जी मैं वादा करता हूँ आपके हुक्म के बगैर घर से बाहर कदम भी न रखूंगा आज से जुआ बंद रेस बंद यहाँ तक कि सिगरेट भी बंद बहुत अच्छा क्यों जी
तुम्हारे चंदे की रकम कितनी थी? हम क्या जाने, इसी से पूछे ना। जी हाँ, बाराने सोचा, सिर्फ बाराने। हाँ, ये कैसे हो सकता है जी? देखो भाई, तुम लोग शरीफ इंसान हो और ये भी एक खानदानी लड़का हो, तुम्हें इसकी भूल माफ कर देनी चाहिए। ये लो 50 रुपए और छोड़ दे, मैं माफी मांगता हूँ। बैठ जाओ अभी तंगे में और कानों को हाथ लगाकर कसम खाओ कि आज से रेस, जुआ, होटल, सिगरेट सब कुछ बंद। मैं कसम खाता हूँ चाचा जी। एक बात और फरमाइए, आज तुम्हें बैंकिंग का काम सीखना होगा। जी बहुत अच्छा। जानते हो ये सब मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ? जी नहीं। मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। यानी कि अपनी जायदाद मेरा नाम करना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा चाचा जी, आपके कहने पर मैं सन्यासी भी बन जाऊंगा फिर। चलो बैठ जाओ। चलो किधर चल दिए? आज फिर बाग जाने का इरादा है क्या? डॉक्टर साहब, मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम दूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो भैया। मैं कसम खाता हूँ मैं पागल नहीं हूँ और ना मेरा दिमाग खराब है। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं हूँ, अफ्रीका से आया हूँ। जंजीबार का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। जंजीबार लोगों का व्यापार। देखा, ये पागल मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भैया यहाँ से। हेल हिटलर, 755-722, आई एम ए जर्मन। आर यू जर्मन? नो, आई एम एन अफ्रीकन। अफ्रीकन? हाँ हाँ अफ्रीकन, बिल्कुल ठीक। मैंने तुम्हारा काम किंग कॉन्ग फिल्म में देखा, बंदर का बंदा। डॉक्टर साहब, इनका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है, हर एक से मारपीट शुरू कर दी है। मारपीट? आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं सर्जन साहब? मैं सर्जन नहीं हूँ, कई बार कह चुका हूँ मैं सर्जन नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं। तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे कैद कर रखा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जरूर जाने देंगे, मगर दिमाग का फितूर दूर होने के बाद। फितूर तुम्हारे दिमाग में है, मेरे दिमाग में नहीं। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा डॉक्टर, जान से मार डालूंगा। हालत वाकई बहुत खराब हो गई। तुम्हारी हो गई है, मेरी नहीं। हाँ हाँ, इन्हें एक्साइटेड वार्ड में ले जाओ। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। डॉक्टर, डॉक्टर, रेल की पटरी किससे तोड़े? जवाब दो, वरना मैं सबको इंजन के नीचे गुठा डालूंगा। पानी दो। कौन पानी मांगता है गधा कहीं का? नहीं, नबर बाबरी, बाबरी कुपा। पानी, पीला दो। सुनोगी, तुम लोग अन्याय कर रहे हो मुझ पर। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तुम मेरे भतीजे बलवंत राय से पूछ सकते हो, वो यहाँ बैंक में काम करता है, वो तुम्हारी तसल्ली कर देगा। अच्छी बात, क्या अच्छी बात? हो जाइए, क्या सोचाइए, कोई सुनते नहीं। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। किस तरह मुंह उठाए ऊपर कहाँ जा रहे हो? कुछ घर की भी खबर है? ओ, तुम
बर्फ के थैले क्यों रखे हैं सर पर? बर्फ न रखू तो क्या चूल्हा बांध लू सर पे? तुम सबने मिलकर मेरा सत्यानाश कर डाला है। मुंह क्या तक रहे हो? पुलिस में रिपोर्ट करो जाकर। रिपोर्ट? किस बात की रिपोर्ट? तुम्हारी लाडली सुबह से गायब है, रही से ही नाप के कट गई तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस घर का सत्यानाश करने वाली तुम हो। तुमने औलाद को जन्म तो दिया मगर माँ बनकर नहीं दिखाया। मुझे दोष देते हो? अपने गरेबान में मुंह डाल के नहीं देखते? तोड़ डाला ना तेरा सत्यानाश, कोई चीज भी सलामत छोड़ी मगर मुझे क्यों मारते हो? मैं तो इसे ठीक कर रहा था। तेरा सर। अरे 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 क्या हुआ सरला, क्यों मारती हो बेचारी को? ये बेचारा नहीं चाचा जी, मुसीबत है मुसीबत। देखिए तो सही, अच्छा खासा दे दियो तोड़ डाला है इसने। बाप, ये सब क्या है? कुछ नहीं चाचा जी, मैं इसे ठीक कर रहा था, चूल पर से पैर फिसल गया। तू बड़ा शरारती है, अब इसे कौन ठीक करेगा? मैं ठीक करूंगा चाचा जी, बड़ा आया ठीक करने वाला। क्यों, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ हाँ, अगर तुमने इसे ठीक कर दिखाया तो हम तुम्हें विलायत भेजकर बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे। आज घर में रौनक दिखाई नहीं देती, क्या बात है सरला? कुछ नहीं चाचा जी, रंगा रंगा अपने कमरे में सो रहा है, रात भर डांस का प्रोग्राम होता रहा, और प्रेमा प्रेमा अपनी सहेली क्या गई है। जवान लड़की का अकेले बाहर जाना ठीक नहीं सरला, जमाना बहुत खराब है जी। मैं खुद से छोड़ के आई हूँ। बहुरानी, तुम इस घर की इज्जत हो, याद रखो औलाद की जिम्मेदारी बाप से ज्यादा माँ पर होती है। तुम्हें ना अपने घर का ख्याल है ना औलाद का, और यही वजह है कि आज तुम झूठ बोलने पर मजबूर हो गई हो। प्रेमा सुबह 9 बजे घर से बाहर निकली, किस इरादे से निकली, क्यों निकली और कहाँ है अब तक, तुम्हें ये भी मालूम नहीं। और बलवंत जी, मुझे तुमसे भी शिकायत है। मुझसे? हाँ तुमसे, बीवी के इशारों पर नाचने वाला घर गृहस्थी नहीं चला सकता। जानते हो प्रेमा इस वक्त कहाँ है? कहाँ है चाचा जी? चंद्रभूषण के घर है। चंद्रभूषण? चंद्रभूषण, उस कमीने ने हमारी किस्मत में मिला दी, उसे फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। दामाद को पुलिस के हवाले करना अकलमंदी नहीं है सरला, अब वो हमारी प्रेमा का पति है। मगर एक नीच प्रेमा का पति कैसे बन सकता है? बन सकता नहीं, बल्कि बन चुका है वो। ऊंच नीच का ख्याल छोड़ दो बहुरानी, भगवान के सामने सबका दर्जा बराबर है। मगर शादी कैसे हुई, कहां हुई, किसकी इजाजत से हुई है चाचा जी? मेरी इजाजत? ये शादी उस बदनामी से कहीं बेहतर है जो आगे चलकर प्रेमा की तबाही का बायस बनती जी। थोड़ी देर में दूल्हा और दुल्हन आशीर्वाद लेने आएंगे, शराफत इसी में है कि उन्हें सीने से लगा लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। मम्मी, लो वो आ गए, चलो बलवन जी, तुम भी चलो बहुरानी, चलो। मम्मी आओ बेटा, मेरे बच्चों, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। तुम भी आशीर्वाद दो बहुरानी। मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकती, और ना ही ये दोनों इस घर में रह सकते हैं। ये बात है तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। चलो प्रेमा, हम चंद्रभूषण के घर जाएंगे। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ चाचा जी, आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो फिर ये दोनों भी इसी घर में रहेंगे, मंजूर? यूं नहीं, सच्चे दिल से कहो। हाँ मंजूर। जाओ बच्चों का मुंह मीठा कराओ, आज इस घर में शुभ घड़ी आई है। चाचा जी देखिए, चाचा जी आपके कहने के मुताबिक मैं बैंकिंग की तमाम किताबें ले आया हूँ, आज से मैं हूँ और ये किताबें होंगी और मैं। शाबाश शाबाश, लेकिन मुझे ये तो बताओ जी कि तुमने रेस खेलना छोड़ दिया है ना? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर ये जंपर भी उतारो। जंपर उतारो? मेरे कहने का मतलब है ये बुशकर से चाचा जी। अच्छा। आजकल का फैशन, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी इस किस्म के बेल बूटों वाले कपड़े पहनता है। इस किस्म के कपड़े अमेरिका में मर्द, लेकिन हिंदुस्तान में
औरतें पहनती हैं। मैं औरत नहीं मर्द हूं चाचा जी। आज से जम पर चोली बंद बंद उतार दो पहले। अभी आके मेरी टूटी हुई नैया को पार लगाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इस जवाब से मैं आपको शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया की जरूरत नहीं मेरी बच्ची, ये तो मेरा फर्ज था। सच्चे प्रेम की कदर तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। जिंदगी बोझ बन जाती है जब मन का भी जुदा हो जाए, जब मन का भी जुदा हो जाए। कमीनी, बदमाश, भाग जा, वरना ठोकर से उड़ा दूंगा। मुझ संभाल के बात कर दे, मैं इंजन ड्राइवर हूं, इंजन की इज्जत कर दूंगा। वार्डर, वार्डर, भगवान के लिए मुझे इस नर से निकालो, तू मुझे जान से मार डालो, लेकिन इस तरह बांध के न रखो। मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। डॉक्टर, जानता नहीं माँ बदौलत आराम फरमाते हैं। बदमाश, भाग जा, भाग जा। ये इंसानों का नहीं शैतानों का डर है। मैं यहां जिंदा नहीं रह सकता, मेरा दम घुट जाएगा, दिमाग फट जाएगा, सचमुच पागल हो जाऊंगा मैं। मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। भाग जाएंगे। भैया, इस पागलखाने में तुम ही एक समझदार आदमी मालूम होते हो। मेरी मदद करो, मैं हाथ जोड़ता हूं। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, मां भी दौलत के पांव छूने पड़ेंगे। लेकिन गुलाम के तो हाथ बंदे हो रहे हैं। जहां अपना माँ बेदौलत तुम्हारे हाथ खोलने के लिए तैयार है। आओ, हमारे करीब आओ।
रानी जी, मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी तरकारी लेने। बोलो क्या क्या लाना होगा? जो आपको पसंद हो, लेकिन वो कद्दू बहुत पसंद करते हैं। कद्दू? कद्दू खाते खाते वो खुद ही कद्दू बन गया है। खाने की चीज है पालक का साग, मूली, गाजर, चकंदर। जानती हो इनमें कितना विटामिन होता है? कहाँ है वो कद्दू? चाचा जी। बलवन जी, आज से तुम्हारा कद्दू खाना बंद। अच्छा, कल से बंद। क्यों जी, आज तो एक प्याली चाय की मिल सकती है। जरूर मिल सकती है, और चाय के साथ नाश्ता भी। मगर चाचा जी, आप पैदल जा रहे हैं, टांगा मंगवा दूं? टांगा? मेरी टांगे सलामत है। टांगे की कोई जरूरत नहीं। टांगा भी कोई सवारी है चाचा जी? हमें फोर्ड मोटर लेने चाहिए। फोर्ड मोटर? फोर्ड। फोर्ड से ब्यूक अच्छी होती है। ब्यूक? ब्यूक बहुत अच्छी होती है, वही ले लेंगे। लेकिन अभी उससे देर है। चाचा जी, आप वापस आ गए? क्या बात है? चोर डाकू लुटेरे बदमाश! क्या हुआ चाचा जी, क्या कसूर हुआ है मुझसे? और ये गालियां क्यों दे रहे हैं आप पागलों की तरह? मैं पागल? एक तो मेरी दौलत पर कब्जा जमाने के लिए मुझे पागल खाने भिजवा दिया, ऊपर से बच्चा बनाता है। मैं तुझे मैं बलवन नहीं हूँ चाचा जी, मेरा नाम रंगा है। रंगा? आप नशे में है क्या चाचा जी? खामोश, बदतमीज, मुझे बनाता है। मैं तेरी चाल को अच्छी तरह समझता हूँ। मम्मी, पापा। क्या बात है चाचा जी, आप गुस्से में क्यों हैं? इन्होंने मुझे मारा है पापा। है? क्या कुछ हुआ है रंगा? रंगा? तो ये रंगा है और बलवन तेरा नाम है, आप समझा? पाखंडी, तेरी मक्कारी का भंडा फूट गया है, मैं तुझे जेल करा दूंगा। जेल? क्या मक्कारी की है मैंने? ये मजाक मेरी समझ में नहीं आया। उस वक्त मालूम होगा जब पुलिस तेरे हाथों में हथकड़ी डालेगी। सामान कहाँ है मेरा? हमने तो आपके सामान को हाथ तक नहीं लगाया चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओ, तो तुम भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? लेकिन मैं एक एक को सीधा करके छोड़ूंगा। कहाँ है मेरा सामान? क्या हो गया? दिमाग चल गया है, कभी प्यार करते कभी मारते हैं, देखो ना। चुप रहो जी। रंगा ठीक कहता है पापा, ये कभी कभी पागलपन का दौरा हो जाता है। और ये बात चाचा जी ने मुझे खुद बताई थी। ऐसी हालत में कुछ भी याद नहीं रहता। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। याद रखो, चोरी का माथा जम नहीं होता। मेरी पासबुक, चेकबुक और मेरी जायदाद की जरूरी कागजात सीधी तरह मेरे हवाले कर दो, वरना मैं अभी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाता हूँ। कोई जवाब नहीं? बहुत अच्छा, अब जेल की चक्की होगी। और तुम लोग चाचा जी, आप ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकते, आपको आराम की जरूरत है। जा मैं आज से छोड़ो, छोड़ मुझे। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सर केवल खड़े हो जाइए चाचा जी, आपको दौरा पड़ गया है। तो चुप ही रहेगा, इनके दौरे का यह है ना जब पापा, मैं सब कुछ जानता हूँ। चाचा जी, शीर्षासन जमाइए जल्दी से, मैं गिनती शुरू करता हूँ। एक, दो, तीन, चार,
रंगा देख तो कौन है? कौन मैं? मास्टर पापा। आज का दिन रंगा के लिए बड़ा मनोहर है। मैं देखता हूँ पापा। चाचा जी, जी 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 जी, आजकल तो जीना मुश्किल हो गया है। आप कहाँ से आ गए चाचा जी? आज तो बाजार गया था। राम 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 राम, आग लगी है मंडी में। हर चीज महंगी, हर चीज महंगी। ये छोटा सा कद्दू और दाम एक रुपया, भगवान जाने क्या होने वाला है। सरला, ये रही तुम्हारी सब्जी, लो लो ना। अरे तुम लोग हैरान होकर क्यों देख रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ तो जरूर होगा। रंगा, तुम तो पढ़ रहे थे ना, छोड़ क्यों दिया? बाप, तुम्हारा रेडियो कब ठीक होगा? रेडियो तो ठीक हो जाएगा चाचा जी, पहले ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? आपको दौरा पड़ गया था ना? दौरा? कब की बात कर रहे हो तुम? वाह चाचा जी, ये अच्छा मजाक है। मेरा जबड़ा तो अभी तक दर्द कर रहा है। जबड़े में दर्द है? तो फिर दवाई क्यों नहीं लगाते? लापरवाही अच्छी नहीं होती बेटा। अजीब बात है, कभी तो आप शिक्षा देते हैं, कभी पुलिस की धमकी देते हैं। धमकी? कैसी बातें कर रही हो बहू रानी? ये ठीक तो है, आपका मिजाज घड़ी में कुछ और घड़ी में कुछ। अगर हम लोग आपको कमरे में न बंद कर देते तो भगवान जाने क्या मुसीबत आ जाती। मगर आप कमरे से बाहर कैसे निकले? दरवाजा तो अभी तक बंद। अजीब गोरख धंधा है, तुम लोगों ने भंग तो नहीं पी रखी है? भंग हमने नहीं पी चाचा जी, लेकिन शायद हाईवे मेरा जबड़ा। इस वक्त इन्हें कुछ भी याद नहीं है। क्या याद नहीं, बताओ क्या भीड़ है? कौन से कमरे में बंद कर रखा था मुझे? जी, इस कमरे में। दिखाओ। मेरे हाथ का लिखा हुआ बयान। मैं अपने भतीजे के बारे में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आया, ना ही मेरा दिमाग खराब है। मुझे फौरन पुलिस की मदद मिलनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। मैंने सब कुछ सुन लिया है जनाब। हाँ, अब आप एक मिनट के लिए खामोश रह सकते हैं? हाँ, मैंने सब कुछ लिखा है। देखो, दो सिपाही इनके साथ जाएंगे। मामले की जांच पड़ताल अच्छी तरह से होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो पंचनामा बनाकर सामान पर कब्जा कर लिया जाए, समझे? अब आप तशरीफ ले जाइए। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। हेलो, यस, पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर राणा स्पीकिंग। आप कहां से बोल रहे हैं? पागल खाना? डॉक्टर मनोहर? हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? फरमाइए। अरे भाई, आपके पागल तो रोज ही भागा करते हैं। हाँ, हुलिया बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या कहा दाढ़ी वाला? अरे डॉक्टर, इस हुलिया का आदमी अभी भी यहां से गया है। जी हाँ जी हाँ हाँ, मगर शनाख्त के लिए आपका आना यहां जरूरी है। ओह यस, थैंक यू, बाय बाय। Thank you.
चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, सामान के साथ साथ मेरा नाम भी चुरा लिया है तुमने। अब समझा कि गोरख धंधा तुमने बना रखा है। पकड़ो इस बहरों पे। पापा, वो पागल फिर घर में घुस आया है। तुम कौन हो जी? क्यों हमें सुबह से परेशान कर रखा? चुपचाप मेरा सामान वापस कर दो, वरना मैं एक एक को जेल भिजवा दूंगा। ये सब इस बहरों के साथ मिले हुए। बहर रुपया ये है, इसके बातों पर मत जाओ। इसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं। अगर ये तो आपके चाचा है? नहीं, हमारे चाचा ये हैं। चाचा जी, कह दीजिए कि हमारे चाचा आप हैं। कह दीजिए ना चाचा जी। देखते क्या हो, पकड़ लो। मुझे मत ले जाओ, वो पागल है। देखो वो पागल है। आप लोगों ने मुझे वहां डाल दिया। माफ करना भाई। अच्छा, तुम पहले वहां पहुंच गए। अगर सीधे इस घर में चले आते तो आज तुम्हें हमेशा के लिए वहां जाना पड़ता। मैं कोई पैर रुपया नहीं हूं। तुम्हारा नाम चुराकर अपनी मर्जी से इस घर में नहीं आया हूं। ये लोग मुझे भूल से ले आए। हमारी सब चीजें यूं की तू मौजूद है। बलबल, इनका सामान इनके हवाले करो। अब तुमने ये भी नहीं सोचा ये क्यों हुआ? हम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती है। यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था। मुझे याद है मेरा एक जुड़वा भाई बचपन से खाया हुआ। कहीं तुम वो ही तो नहीं? केशव, विक्रम, ये मिलाप भी कितना अजीब है। मगर केशव, क्या तुम सचमुच पागल हो? शायद इनका भी यही कहना है। मुझे कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ जाता है, इसलिए मेरा हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। और वो क्या है? चलो डॉक्टर। नहीं किशोर, अब तुम नहीं जा सकते। हम दोनों यहां रहेंगे। बलवंत राय हम दोनों का भतीजा है। ठीक है, लेकिन तुम यहां रहो विक्रम। मुझे जाकर अपना इलाज कराना है ना? हाँ हाँ चाचा जी। नहीं नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ये घर आपका है, आपने ही इसे सुधारा है। नहीं, जिस दौलत ने इस घर को सुधारा है वो मेरी नहीं, विक्रम की है। चाचा जी, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें तो आपकी जरूरत है चाचा जी। बेटा, मैं भारत में आ
मेरी लिए वही जगह अच्छी है जहाँ मैं जा रहा हूँ। नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी, दुनिया पगलों का बाजार, ये दुनिया पगलों का बाजार, ये दुनिया पगलों का बाजार। मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या बात? तुम्हें याद है? मैंने एक बार तुम्हें कहा भी था कि मैं एक पागल हूँ। अब मैं हमेशा के लिए पागल खाने में जा रहा हूँ। क्या कहती? तुम्हारे रास्ते चाचा वो है विक्रम। अगर हो सके तो इस बच्चे को इलाज भेज देना। ये जरूर एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। मैं इलाज नहीं जाना था, आप यहाँ रुक जाइए चाचा जी। चाचा जी, मेरे बच्चे मुन्ने के जन्म पर मुझे भी याद कर लेना। वो स्वेटर जो हमने मिलकर बनाई है उसे जरूर पहनना। आप इस तरह हमें छोड़ के न जाइए, आपके सारे बिना हम फिर भटक जाएंगे चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी, केशव, चाचा जी, रोने की जरूरत नहीं मेरे बच्चों, अच्छा होते ही मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। जगत की देखी उल्टा कारोबार, ये दुनिया पगलों का बाजार, ये दुनिया पगलों का बाजार, ये दुनिया पगलों का बाजार।